माई चैनल, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने हेयर को स्टाइल कर सकते हो 3 डिफरेंट वेज में विद यूजिंग ओनली 1 टूल। येस गाइज, सो दिस इज सो अफोर्डेबल। हेयर स्टाइलिंग इज द मेन प्रॉब्लम जो कि हम लोग फेस कर, हम लोग मेकअप कर लेते हैं, मेकअप लुक सो ब्यूटिफुल। सो गाइज, मेकअप के साथ साथ आपका हेयर स्टाइल भी आपके मेकअप से मैच होना चाहिए, मेकअप से ऑलमोस्ट मैच होना चाहिए। आई थिंक 40% जो है हमारा हेयर से लुक आता है वेर एवर, जैसे आप देख सकते हो कोई भी मेकअप हो रहा है, ऑफिस मेकअप, पार्टी मेकअप, तो हमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हेयर स्टाइल की ज़रूरत पड़ती है। क्या करते हैं हम लोग, बालों को ओपन करके छोड़ देते हैं एंड दैट्स इट। हमेशा हम बालों को नहीं खोल के रख सकते। आज मेरा पार्सल आया है फ्रॉम फ्लिपकार्ट, सो दिस इज़ दैट मशीन जिसके बारे में आपके साथ बात कर रही हूँ मैं। सो गाइस, इसे मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी, प्लस इसका डेमो एंड रिव्यू भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, दिस इज़ वेरी 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 अफोर्डेबल प्रोडक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। आप इसे ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, बट ऑनलाइन अगर परचेज करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि अभी रिसर्च कर रहे हैं फॉर न्यू हेयर स्ट्रेटनिंग कर्लर और क्रिम्पर वगैरह। क्या होगा, मेरे हेयर से ये मेकअप बिल्कुल मैच नहीं कर रहा एंड इट लुक्स सो मेसी, राइट? सो गाइज, येस, तो इसी वजह से मैंने अपने बालों को ऐसे रखा है। एंड गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ मैं जो है एकदम लाइव रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है इस प्रोडक्ट के बारे में। मुझे कुछ थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस मिलेंगे, कुछ एडवांटेजेस भी मैं आपको बताऊंगी। एंड गाइज, इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, आज का ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। सो लेट्स मूव टू द वीडियो गाइज, बट बिफोर दैट, इफ यू नीड दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या गाइज बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि जो मेरे न्यू आने वाले वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करो। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स मूव टू द वीडियो। एंड दिस इज द मीडियम लेंथ के हेयर है, एज यू कैन सी। ओके, सो गाइज, इतने लेंथ के हेयर को कर्ल या स्ट्रेट कैसे करना है, 3 डिफरेंट स्टाइल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो हाई गाइज, अभी हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइज, ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। या गाइज, दिस इज़ द प्रोडक्ट। सो गाइज, इसे मैंने जस्ट यहाँ से ओपन कराया कि इन्होंने मुझे रियल प्रोडक्ट दिया है कि नहीं। सो गाइज, या मैं दिखा दूँ, दिस इज़ द प्रोडक्ट। सो गाइज, इसके अंदर मुझे और कुछ नहीं मिला है, लाइक इसके अंदर मुझे, दिस इज़ द बिल। ओके, सो इसके अंदर आपको इस तरीके से बिल मिलेगा एंड दिस इज़ द पैकेजिंग। सो गाइज, ये है पैकेजिंग और इसमें आपको डायरेक्टली ऐसे मिल जाएगा ये पैकेट लाइक दैट। सो गाइज, ये है वो हेयर टूल जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। एंड गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है बिकॉज इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा है। एंड गाइज, इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। एंड गाइज, ये जो लाइक इसका जो जैसा मैंने देखा था, मुझे सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट रिसीव्ड हुआ है। एंड गाइज, दिस इज़ सो अमेजिंग, वाओ। आपको इसके अंदर यूजर मैनुअल मिल जाएगा जिसमें से आप सारे जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आप देख सकते हो इसके अंदर, जो भी आपको इसके बारे में बता रखा है, सेफ्टी वार्निंग्स एंड गाइज हाउ टू यूज़ इट एंड गाइज सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, वारंटी और फिर सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। गाइज, लेट्स मूव टू द वीडियो एंड नाउ गाइज, एज यू कैन सी, दिस इज़ द प्रोडक्ट है वाइन शैम्पेन जो गोल्डन होता है वो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ये। ज़्यादा मतलब बहुत ही प्रिटी कलर है एंड गाइज, ब्लैक एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड गाइज, इसमें आपको ये जो है वायर आपको देख सकते हो कितना अच्छा है, मूवेबल जो वायर है ये काफ़ी अच्छा है। सो गाइज, इससे क्या होगा ना, आपका जो ये वायर है वो ख़राब नहीं होगा जल्दी से और काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। एंड गाइज, इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है इसका, जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट प्रोडक्ट है। एंड गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दे रखा होगा, दिस इज़ फ्रॉम वेगा। कैसे गाइज, ये ओपन होता है एंड गाइज, दिस जो ऊपर का लेयर है वो आप सेक्शन देख सकते हो, ये है कर्लियर। एंड गाइज, यहाँ पे आपको ये स्विच मिल जाएगा ऑन एंड ऑफ। सो गाइज, इसको आप अगर ऊपर करते हो तो ऑन एंड नीचे की साइड करोगे तो ऑफ। एंड गाइज, इसमें आपको इस तरीके से
एक स्विच दे रखा है जिसको अगर मैं एक बार पुश करूंगी तो ये स्ट्रेटनर खुल जाएगा, और इसको अगर मैं मिडल में पुश करूंगी तो ये नीचे क्रिम्पर खुल जाएगा। सो गाइज, ये है क्रिम्पर स्ट्रेटनर एंड दिस इज द कर्लियर। सो गाइज, इसमें ये है, जब आपको हेयर को स्ट्रेट करना है तो आपको इसे इस तरीके से पकड़ना है, और यहाँ से जो ये स्विच बाहर की साइड आ रहा है इसको एक बार मैं इसे बंद कर देना है। एंड गाइज, नाउ आप स्ट्रेट कर सकते हो अपने हेयर को। एंड नाउ द सेकेंड वन इज गाइज, आपको इस तरीके से इसे पुश करना है, जैसे आपको अभी हेयर स्ट्रेट नहीं करना है, आपको इसे बंद करना है, तो जस्ट इसको ऐसे करना है और फिर आपको इस तरफ से जो स्विच बाहर की साइड आ गया था उसे क्लोज करना है। एंड गाइज, ये पूरा क्लोज हो जाएगा। और गाइज, इसको आप जब क्रिम कर्ल करोगे तो उस टाइम पे आपको उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, इस तरीके से जो इसका ये हैंडल है इसे जस्ट ओपन करना है और फिर आप इसमें से कर्ल कर सकते हो। सो गाइज, कैसे इसे यूज़ करना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हो गाइज, जो मेरा रियल हेयर का टेक्सचर है वो जो है नॉर्मली मेरे हेयर थोड़े से स्ट्रेट है, एंड गाइज थोड़ा सा वेवी है और स्ट्रेट है। सो फ्रंट के साइड से मेरे ज़्यादा वेवी है क्योंकि मेरे हेयर थोड़े से सिल्की है। एंड गाइज, आप देख सकते हो, देखते हैं ये सिल्की हेयर पे कैसे काम करता है, बिकॉज मेरे हेयर पे जो है ज़्यादा हेयर स्ट्रेटनिंग, जितने भी मैंने लास्ट टाइम पे मेरे पास दो हेयर स्ट्रेटनर था तो वो इतने अच्छे से काम नहीं करता था, बिकॉज जो हेयर, अगर आपके हेयर सिल्की है तो गाइज आपको बहुत 210 या फिर 280 डिग्री से मैक्सिमम होना चाहिए। स्ट्रेट हेयर होते हैं और जिनके बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर होते हैं उन पे थोड़ा सा जो इसका टेम्परेचर होता है वो हाई होगा तो अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज़ अगर इसका टेम्परेचर लो है तो आपके जो हेयर है उस पे काम नहीं करेगा। सो गाइज, अब हम देखेंगे इसको क्रिम्प कर्ल और स्ट्रेट करके, देखते हैं कैसे ये होता है और इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, ये सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लोरियल पैरिस का ये सीरम करो। सो गाइज, इसको मैं थोड़े से अमाउंट में ले रही हूँ, एंड गाइज जस्ट अ लिटिल बिट लाइक दिस, एंड गाइज मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने हेयर पे। तो ये सीरम क्या करेगा, मेरे हेयर को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हीट। सो गाइज, जब भी हम लोग डायरेक्टली हीट अप्लाई करते हैं अपने हेयर पे तो हमारे हेयर जो है गाइज टूटने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। सो गाइज, अभी जो सीरम हमने अप्लाई कर लिया है ये हमारे जो हेयर स्ट्रेट करते हैं या फिर कर्ल करते हैं, हमारे हेयर को लॉन्ग लास्टिंग भी कर देगा, वो कर्ल और स्ट्रेटनिंग जो है बहुत टाइम तक रहेगा। एंड गाइज, सेकेंडली हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। तो गाइज, इसके टू बेनिफिट्स है, तो ऑलवेज अप्लाई अ सीरम बिफोर अप्लाइंग एनी हीट ऑन योर हेयर। और ये गाइज नेचुरल हेयर टेक्सचर है मेरे हेयर का। सो गाइज, जनरली मैंने इस प्रोडक्ट इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे क्रिम्प करना था अपने हेयर को और कर्ल करना था, एंड गाइज उसी मोटिव से मैंने इस प्रोडक्ट को लिया है। एंड गाइज, मैं इसे अब ओपन कर दूंगी, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा एंड अब ये हीट हो रहा है। ओके, सो गाइज, अब ये जो है सबसे पहले मैंने ये हीट कर लिया है, तो कोई भी स्टाइल करते हो सो डिटेंगल कर लेना चाहिए हमें ऑलवेज। सो गाइज, अब मैं ये थोड़ा सा सेक्शन लूँगी अपने हेयर का, लाइक अब ये वाला पार्ट ही देख लो क्योंकि ये थोड़ा सा वेवी है तो मैं इस पार्ट को ले रही हूँ। एंड गाइज, थिंक मैं अब इसे ऑन करूँगी बिकॉज मुझे करना है स्ट्रेट। सो गाइज, इस तरीके से स्ट्रेट हो गया है, एंड नाउ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसको गाइज हमें धीरे 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 मूव करना है, बहुत ही तेज़ी से नहीं करना है, बहुत धीरे 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 धीरे। आपको एक ही जगह पे कम से कम एक सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक रखना है। एंड दिस इज डन। नाउ गाइज, मैं इसे सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। नीचे की साइड थोड़ा सा ज़्यादा कर्ल, थोड़ा सा ज़्यादा वेवी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड दिस इज़ डन। वाओ, अब गाइज मैं इसमें कॉम कर रही हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो डिफरेंस, काफ़ी स्मूथ और
काफी अच्छे से इसने मेरे हेयर को स्ट्रेट कर दिया है एंड आई जस्ट लव द टेक्सचर। जैसे देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा एक रिजल्ट मुझे दिख रहा है। एंड नाउ गाइस सेकंड करते हैं कर्ल एंड मैं इसे ओपन कर रही हूँ और फिर करते हैं कर्ल। लेट्स सी। वाओ लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, लाइक वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। सो ये सब देख सकते हो कितने अच्छे से इसने मेरे हेयर को कर्ल कर लिया है एंड दिस इज हाउ इट्स लुक। वाओ अमेजिंग। सो नाउ गाइज मैं थोड़ा सा और सेक्शन लेके आपको थोड़ा सा और करके दिखाती हूँ तो गाइज ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सो नाउ जस्ट टेक अ लिटिल सेक्शन ऑफ योर हेयर एंड देन जस्ट सो गाइज थोड़ा सा हीटिंग ज़्यादा करना है हीट क्योंकि कर्ल है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कर्ल चाहिए तो गाइस थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा आपको। और जैसा यूं नहीं कि आपने करा और छोड़ दिया, इसको एटलीस्ट आपको 30 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए रखना है। सो गाइस वाओ बहुत ही अच्छा लग रहा है, लुक एट दिस, दिस इज अमेजिंग। सो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर्ल्स हुआ है। मैं इसे स्ट्रेट कर रही हूँ एंड आप वापस देख सकते हो ये अपने वापस अपनी टेक्सचर में चला गया है एंड दिस इज सो गुड। वाओ सब देख सकते हो गाइस दिस इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एंड नाउ गाइस चेक इट कर लेते हैं तो क्रिम स्ट्रेट भी काफ़ी अच्छे से इसने हेयर को कर दिया है एंड गाइस इसने कर्ल भी बहुत अच्छे से कर दिया है। एंड लेट्स सी गाइस क्रिम्प कैसे करता है, जिसके लिए मैंने इस प्रोडक्ट को स्पेशली लिया है। एंड गाइस लेट्स सी क्रिम्प। एंड गाइस मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ हेयर को। ओह माय गॉड। तो गाइस यहाँ से आपको टच करना है, गाइस यहाँ पे बिल्कुल टच मत करना नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा भैया। क्या है ये। तो गाइस क्रिम्प आपको इस तरीके से करना है, थोड़ा सा टाइम देके। वाओ अमेजिंग प्रोडक्ट गाइस, जस्ट गो फॉर इट, लुक एट दिस। वाओ सो गाइस मैं थोड़ा सा और करने वाली हूँ। तो मैं बता दूं गाइस मैंने इसको ऑफ कर दिया है और ऑफ करने के बाद भी अच्छे से मेरे बालों को कितने अच्छे से क्रिम्प कर रहा है। सो गाइस ऑफ मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया था। वाओ लाइक अमेजिंग 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 गाइस। वाओ रिजल्ट आया है मेरे हेयर पे। सो गाइस दिस इज द क्रिम्पिंग पार्ट और गाइस यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रेट किया था बालों को, है मेरा कर्ल। सो गाइस तीनों के तीनों एज इट इज है जैसा कि मैंने किया था। और गाइस अगर ये प्रोडक्ट बेकार होना होता लाइक करने के बाद ही वो पता लग जाता है कि आपका हेयर स्ट्रेटनिंग कैसा है, लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है कि नहीं, क्योंकि करने के बाद ही वो थोड़ा थोड़ा फ्रिजी होने लग जाता है। एंड गाइस एक बिल्कुल फ्रिजी नहीं कर रहा है और बालों को एज जैसा आपको चाहिए वैसा आप इससे स्टाइल कर सकते हो। सो गाइस दिस पार्ट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मेरे बालों में लग रहा है वॉल्यूम आ गया है क्रिम करने के बाद। एंड गाइस इस प्रोडक्ट को मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे अपने हेयर को क्रिम्प और कर्ल करना था बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्ट्रेट हेयर। सो गाइस मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है तो मुझे स्ट्रेटनिंग की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, बट मुझे क्रिम्प और कर्ल करना था अपने हेयर को, जिसके लिए मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था। सो गाइस मैं सोचती हूँ कि अलग अलग अगर प्रोडक्ट्स लेते हो आप, जैसे कि अगर क्रिम्पर लोगे अलग लेने जाओगे या फिर स्ट्रेटनिंग लेने जाते हो कर्लियर लेने जाते हो, तो तीनों के कॉस्ट अलग अलग अगर आप जोड़ते हो तो गाइज़
अराउंड 3,000 to 5,000 भी आपको पड़ जाएगा। सो गाइज, अगर आपको ऐसे हेयर स्टाइल्स चाहिए, पार्टी में जा रहे हो आप, अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो वेडिंग वगैरह आप अटेंड करोगे, तो गाइज आपको एक अलग अलग लुक चाहिए, जिसके लिए ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है गाइज, और बहुत ज़्यादा प्राइस वर्दी है। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। टॉक अबाउट द एडवांटेज, सो गाइज एडवांटेज मुझे यही लगा है गाइज की 3-in-1 प्रोडक्ट है, आपको तीनों एक ही में मिल जाता है गाइज, प्राइस वर्दी है काफ़ी ज़्यादा। इसका कॉस्ट गाइज 17.99 rupees है, ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हो तो आपको हैवी डिस्काउंट पे मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। सो गाइज मुझे ये प्रोडक्ट पड़ा है 1,250 rupees ओनली गाइज, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे था गाइज। अगर गाइज अगर डिस्काउंट चल रहा है तो प्लीज़ ग्रैब इट। सो गाइज अभी इसका रेट, मैंने जिस दिन परचेज करा था उस दिन इसका रेट जितना था 1,250 एंड मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। एंड गाइज नेक्स्ट डे इसका रिव्यू मीन्स प्रोडक्ट को मैंने चेक किया ऑनलाइन, तो गाइज बिलीव मी 1,699 rupees में वो मिल रहा था। लाइक इतना ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है गाइज, बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा है ये प्रोडक्ट, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, ओके कोई भी इसे परचेज कर सकता है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन परचेज कर सकते हो, बट गाइज मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन परचेज करो क्योंकि ऑनलाइन में आपको डिस्काउंट पर भी मिल जाता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज गाइज, इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा है, एंड गाइज ये बिल्कुल लाइट वेट है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, लेकर आ सकते हो, कहीं पे दे सकते हो, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल में है, अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो गाइज आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हो। सो गाइज एक और एडवांटेज है इसका कि इसका जो वायर है वो मूवेबल है, ओके सो गाइज ये काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा है आप देख सकते हो, सो ये टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाता है आपके, यहाँ पर टूटेगा नहीं, लाइक यहाँ से काफ़ी बार होता है हमारा बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, बार बार खींचादानी करने से ये टूट जाता है, सो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा मूवेबल है। अब कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के, सो गाइज ये तो थे एडवांटेजेस। सो गाइज कोई भी चीज़ हो, इंसान भी अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है, सो गाइज इसके भी थोड़े से बुराई है, सो दैट इज़ गाइज। तो मैं बता दूँ इसमें डिसएडवांटेज ये है गाइज, मुझे इसमें बहुत बुरी लगी एक चीज़, और वो है ये वाला पार्ट। सो गाइज ये वाला जो पार्ट है ना, ये जब आप हीट करोगे, क्रिम्प करोगे, कर्ल करोगे, सो गाइज ये तीनों एक साथ हीट होता है। सो गाइज ये बहुत ही बेकार जो इन्होंने डिज़ाइन करा है, ये बहुत बेकार लगा मुझे। तो गाइज अगर पर्टिकुलर चीज़ के, अगर पर्टिकुलर पॉइंट होता, लाइक यहाँ पे स्विच दे रखा होता, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता हमारे लिए, ठीक है। अफोर्डेबल के साथ साथ थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है कंफर्टेबल भी होना चाहिए, बट यार थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी आप कर्ल करोगे ना, या फिर क्रिम्प करोगे, या फिर अपने बालों को स्टाइल करते हो, तो गाइज यहाँ से आप पकड़ सकते हो इसे, यहाँ पर बिल्कुल मत पकड़ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा मेरे पास ये हो चुका है, 2-3 बार हो गया है, ये वीडियो को मैंने कट कट करके इसलिए जोड़ा है गाइज, 2-3 बार जल भी गया मेरा हाथ। सो गाइज ये वाला पार्ट हीट होता है, सो आप यहाँ पे बिल्कुल टच नहीं कर सकते हो, एंड ये वाला पार्ट भी नहीं टच कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे टच करना है। सो गाइज फ्लिप्स वगैरह में होता है, वो आप ऊपर पकड़ के आराम से स्ट्रेट कर सकते हो। सो गाइज स्ट्रेट करने के वक्त थोड़ा सा दिक्कत होता है, कि हमें आदत होती है यहाँ पे पकड़ के स्ट्रेट करने की, बट इसमें नहीं कर सकते आप, यहाँ पे पकड़ के आपको स्ट्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल टच मत करना। एंड गाइज नेक्स्ट मुझे बहुत बुरी लगी गाइज इसका एक और पॉइंट, दैट इज़ गाइज इसमें एडजस्ट करने के लिए टेम्परेचर बिल्कुल भी स्विच नहीं दे रखा है, दिस इज़ वेरी 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 बैड। एंड गाइज इसमें सिर्फ ऑन और ऑफ का ही आपको स्विच मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई भी स्विच अवेलेबल नहीं है जिससे आप इसका जो हीटिंग मोड है उसे एडजस्ट कर सको। सो ये बहुत बेकार इन्होंने करा है, क्योंकि जब भी गाइज हीट होता है तो मुझे सीधा स्विच इसका ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो बाल जल जाएंगे, सो बी केयरफुल, ओके। सो गाइज आपको इसे बार बार आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा, हाँ भाई ये गर्म हो गया है तो मुझे इसे क्या करना है, अभी ऑफ़ कर देना, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, सीधा ऑफ़ कर देती हूँ, एंड देन मैं कर रही थी, ठीक है। तो ये दो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगा, एंड सेकेंड चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी, पता नहीं फ्लिपकार्ट वालों को आजकल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेट और डीले कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में। अगर इसको मैंने प्रोडक्ट को बहुत पहले परचेज करा है, लाइक अभी 12 डेज के बाद मुझे ये रिसीव्ड हुआ है, दिस इज़ वेरी वर्स्ट पार्ट आई थिंक, और मुझे बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा इस बार फ्लिपकार्ट के साथ। एंड गाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा कि इन्होंने इतना ज़्यादा डिले कर दिया, मेरे वीडियो भी बहुत ज़्यादा डिले हो गया। एंड गाइज मैं वेडिंग सीरीज मेकअप भी लाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने इसे खास कर लिया है, और गाइज उसमें भी मुझे लेट हो गया उस सारे शूट्स के लिए भी। सो गाइज ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है, एंड एज यू कैन सी कितना अच्छा प्रोडक्ट था। एंड गाइज मुझे अगर पहले मिल जाता तो 2-3 वेडिंग सीरीज़ के मेकअप अभी तक आ चुके होते। सो गाइज इसी प्रोडक्ट की वजह से इतना डिले हुआ है,
एंड गाइज ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, एंड गाइज इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। एंड गाइज आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, जस्ट गो फॉर इट गाइज। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक दो चीज़ें यार माफ़ी कर दो, एंड या गाइज दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट गाइज लुक वाइज, एंड इसका काम भी बहुत अच्छा है। अलग अलग डिफरेंट वेज में आप इसे स्टाइल कर सकते हो। सो गाइज दिस इज़ वेरी 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 अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। सो गाइज मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप ऐसे ही 3-in-1 प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। बता दिया है कि आप इसे ऑनलाइन ही परचेज करना, बाकी ये आप पे डिपेंड है कि आपको ऑफलाइन चाहिए या फिर ऑनलाइन चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन का ही ज़माना है। एंड गाइज रिसेंटली मुझे नहीं पता इसका अमाउंट कितना चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे हमेशा ये आपको डिस्काउंट पे ही मिल जाएगा। सो गाइज आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। आप देख सकते हो मेरे बालों को कितने अच्छे से इसने स्टाइल करा है। सो गाइज इसीलिए मैंने इसका 1 mark काटा था, बिकॉज इसमें 2 डिसएडवांटेजेस है। एंड गाइज ओवरऑल द प्रोडक्ट इज सो अमेजिंग, अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी। सो गाइज ये था आज का रिव्यू, क्विक रिव्यू एंड डेमो। सो गाइज कैसा लगा ये प्रोडक्ट, डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। एंड गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो अलॉट। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड गाइज या प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइज मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन बाय, टेक केयर, आई लव यू सो मच गाइज, बाय बाय।